वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त शेर मुर्तज़ा अली हुसैनी, एमए करंट टीवी न्यूज़ स्टैंड में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रियासत राजस्थान के जोधपुर में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। जोधपुर के दियोनगर थाने इलाके में 2 साल की मासूम बच्ची की अस्मत रेजी की गई और उसके बाद दरिंदे सिफत मुलजिम ने लड़की को मंदिर के पास फेंक दिया और वहां से फरार हो गए। मुतल्लिका एसीपी अनिल कुमार ने कहा कि लड़की का खानदान जोधपुर में भीख मांग कर गुजारा करता है, ये लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। वाकई की शाम लड़की के माँ बाप मंदिर के बाहर भीख मांगने के लिए बैठे हुए थे, जबकि वो अपनी बेटी को उनकी झोपड़ी में छोड़ गए। मुमकिन है कि इस दौरान मुलजिम इसे चॉकलेट खिलाने के बहाने से अपने साथ ले गया हो और जुर्म का इर्तिकाब किया हो। ज़राए के मुताबिक इतवार की सुबह मामूल के मुताबिक तरकारी फरोख्त करने वाली एक खातून जब मंदिर के करीब पहुंची तो उस लड़की को वहां खून में लुतपुत पड़ा हुआ देखा। खातून ने फौरी तौर पर मुतासरा के माँ बाप को इस बात की इत्तला दी। मौके पर पहुंचने वाले माँ बाप ने बताया कि लड़की रात से लापता थी, वो उसे ढूंढ रहे थे लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही थी। बाद में पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया। मार्केट में न जाने कितने नकली प्रोडक्ट्स फरोख्त किए जा रहे हैं। ताज़ा तौर पर नकली लहसुन का पर्दाफाश हुआ है। रियासत महाराष्ट्र के अकोला शहर के बिजोरिया नगर में नकली लहसुन बेचने का मामला सामने आया है। यहां पुलिस के रिटायर्ड मुलाजिम सुभाष पाटल की बीवी ने कॉलोनी में तरकारी बेचने आई हुई एक खातून से लहसुन खरीदा था, लेकिन जब इन्होंने लहसुन को इस्तेमाल करना चाहा तो इनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि एकदम असली दिखने वाला लहसुन दरअसल नकली था। उस लहसुन को सीमेंट से तैयार किया गया था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि ऊपर से लहसुन की तरह नज़र आने वाला लहसुन दरअसल सीमेंट का बना हुआ था, वो असली नहीं था। ऊपर से वो बिल्कुल लहसुन नज़र आता था, लेकिन जैसे ही आप उसे छिलते हैं तो अंदर से सीमेंट निकल आती है। सुभाष पाटिल की बीवी के मुताबिक उन्होंने एक तरकारी बेचने वाले खातून से लहसुन ख़रीदा था, लेकिन जैसे ही वो लहसुन छिलने लगी तो उसकी कलियां अलग नहीं हो रही थी। उनका कहना था कि ये नकली लहसुन को पहुँचाना बहुत ही मुश्किल है। साथ नाजरीन खबरनामा यही अख्ताम वजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।